देशातल्या 5 राज्यात निर्माण झालेल्या रोखीच्या तुटवड्याची दखल घेतली गेली असून तुटवडा दूर करण्यासाठी तातडीनं पावलं उचलली असल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केलाय. सणासुदीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या रोखीच्या तुटवड्यानं 5 राज्यांमध्ये ATM खडखडाट आहे, त्यामुळे नागरिक हैराण आहेत. यात प्रामुख्यानं तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, विदर्भाचा काही भाग आणि गुजरातमध्ये रोखीनं व्यवहार करणं कठीण झालंय. सलगच्या सुट्ट्यांमुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचं म्हटलं जात होतं, पण प्रत्यक्ष तपास केल्यावर व्यवहारात पुरेसं चलन असल्याचं पुढे आलंय. त्यामुळे रोकड नेमकी कुठे आहे, लोकांनी पुन्हा एकदा नोटा साठवायला सुरुवात केली आहे की काय, अशी भीती व्यक्त होतीये. इस समय भी हमारे पास 1.25 लाख करोड़ रुपए की कैश करेंसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम एक आई है जिसको हमको भी सीधे तौर पर स्वीकार करने में कोई चल रही है कि कुछ राज्यों में जो है पैसे अधिक हो गए, कुछ में कम हो गए हैं. तो उसके लिए हमने एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया है, स्टेट वाइज कमेटी बना दिया है, और रिजर्व बैंक अपने भी एक कमेटी बना करके वो ये कर रहा है कि पैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किया है, क्योंकि बिना रिजर्व बैंक के अनुमति के वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं. तो उसका हम कर दिए हैं, ये मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर इस पूरा का पूरा हम उसको वो कर लेंगे. आजकल जो सिचुएशन है उसमें 84% से 88% की एवरेज अवेलेबिलिटी है. और जहाँ तक कैश का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि पिछले 15-20 दिन में कुछ स्टेट्स में विड्रॉल और पेमेंट्स ज़्यादा हुए हैं और उतना कैश वापस सिस्टम में नहीं आया है, तो उस कैश को भी सिस्टम में वापस आने की ज़रूरत है. और इसीलिए जो एक पब्लिक से भी जो एक मैं अपील कर सकता हूँ या गुजारिश कर सकता हूँ कि कैश को अपने पास ना रखें, उसको बैंक में जमा करें और निकालें. दैट इज उसी तरह से तो सुचारू रूप से काम चलता है. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.